Hello, students. Today we are going to study chapter number seven: Weavers, Iron Smelters, and Factory Owners in History Section for Class 8. In this section, we studied about what are the positions of weavers, iron smelters, and factory owners in India, and uh, which type of textiles are famous, or famous in India as well as in Europe. And Europe become the big market for these textiles, and uh, how the in Britishers uh, protested uh, against the Indian textile and they uh, increased the import duties on the Indian textile and how they declined the, uh, the various types of factories or various types of textile industries of Indian, of India uh, in European market. और वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स रेगुलेशन्स ऑन ओके सो वी स्टडी इन द नाइनटीन सेंचुरी वैन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम द एटी हंड्रेड फिफ्टीज ब्रिटेन केम टू बी नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड बच्चों जब एटीन हंड्रेड फिफ्टीज की बात थी तब ब्रिटेन में उस समय आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी तब ब्रिटेन को पूरी दुनिया में वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन जब ब्रिटेन का स्टार्ट हुआ है तो उसका कनेक्शन सबसे पहले हमारे इंडिया में जो उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया और इन्वेजन किया और उसके बाद में जो उन्होंने कोलोनाइजेशन किया इसकी वजह से जो ब्रिटेन था वो उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हुआ क्योंकि तो ब्रिटेन में एकदम से औद्योगिक क्रांति कैसे आई उसके पीछे हमारी इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है अगर इंडिया पे भारत का कब, भारत पे जो है अगर ब्रिटेन का कब्जा नहीं होता तो ब्रिटेन जो है इतनी जल्दी इंडस्ट्रलाइजेशन के क्षेत्र में नहीं बढ़ता तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रलाइजेशन होने के पीछे सबसे बड़ा हाथ भारत का ही था क्यों क्योंकि भारत पे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने कम्प्लीटली और वो यहाँ से जो कच्चा माल था रॉ मटेरियल था जिसके फॉर्म में वो कॉटन है और स्पाइसेस है इसके अलावा आयरन है आयरन और है ये सब यहाँ से ले जाया करते थे और उनको अपनी फैक्ट्रीज़ में ग्रो करते थे उनको प्रोसेस करते थे उसके बाद में रेडीमेड गुड्स तैयार करके वहीं यूरोपियन मार्केट में महंगे दामों पर बेचते थे और इंडिया का जो सामान था वो वैसे बहुत फे फेमस था हमारे यहाँ पुराना कॉटन था जिसमें कि मिश्र क्लोथ्स है और उस पर जो कशीदाकारी की जाती थी जो पैटर्न बनाए जाते थे डिफरेंट टाइप के वो यहाँ बहुत फेमस थे इंडिया में और वो यहाँ के अलावा एज़ वेल एज़ यूरोप में भी बहुत फेमस हुए तो यूरोप में जब हमारा इंडिया का मार्केट बहुत वास था अब आता है कि इंडियन टेक्सटाइल और द वर्ल्ड मार्केट की बात करेंगे तो अराउंड सेवनटीन में जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल में अपना अधिकार किया तो इंडिया में इंडिया का जो पूरा कॉटन टेक्सटाइल था उस समय इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का और इंडिया की जो कॉटन कौट, थी बहुत ही फाइन क्वालिटी की होती थी जिसके लिए क्राफ्टमैनशिप्स अपने क्राफ्ट के लिए जाने आते थे और हमारा जो ये व्यापार था उस समय साउथन ईस्ट एशिया जावा सुमात्रा पेनांग पिनांगी एक जगह है और वेस्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया तक पूरा फैला हुआ था सिक्सटीन सेंचुरी में यूरोपियन लोगों जब यहाँ आए तो उन्होंने यहाँ से इंडिया का कपड़ा खरीदा पूरा कम दामों पर और उसके बाद में उसको यूरोप में सेल किया इसी तरीके से इंडियन वीवर्स जो थे उनकी बहुत सारी बातें उनका कल्चर उनकी लैंग्वेज का भी आदान प्रदान हुआ इंग्लिश लोग आए यहाँ पर डच भी आए फ्रेंच भी आए उन्होंने समय समय पर आ करके हमारे देश का पुराना पैटर्न का कपड़ा खरीदा और यहाँ पर वो कपड़ा पूरे वर्ल्ड फेमस था जो कि कम एक्साइज़ ड्यूटी पर वो लोग ले हाँ खरीदते थे और उसके बाद में उसको हायर एक्साइज ड्यूटी पर ले जा करके वहाँ सेल आउट करते थे ब्रिटिश में और यूरोपियन कंट्रीज में जा के सबसे पहले हमारा जो देश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन का जब से, से बहुत फेमस था वो था कालीकट का तट था जहाँ पे केरला है तो केरला के तट पर था कालीकट वहाँ का कपड़ा बहुत फेमस था जिसको नाम जिसको कैलिको के नाम से जानते हैं और एक दूसरा क्लोथ था जो कि सबसे पहले जब पोर्टगीज आए थे हमारे यहाँ यानी कि पुर्तगाली भारत में तो वो मसालों के साथ साथ हमारे यहाँ का जो क्लोथ ले गए जिसका नाम था मिसलिन क्लोथ वो भी बहुत फेमस था ईस्ट इंडिया कंपनी जो कलकत्ता में आई थी सेवनटीन हंड्रेड थर्टीज में उन्होंने अकेले ही लगभग फाइव लैख एटी नाइन थाउजेंड पीसेस ऑफ क्लोथ का ऑर्डर दिया था जिसमें से कॉटन और सिल्क क्लोथ की वैरायटी थी नाइन्टी एट परसेंट है ना क्या नाइन्टी एट टाइप की वैरायटी थी हमारे कॉटन और सिल्क क्लोथ की उससे और इस तरीके से देखो आपको एक ऑर्डर भी दिखाती हूँ ये एक ऑर्डर है जिसमें कई सारे लिस्ट ऑफ़ गुड्स लिखा हुआ है यहाँ पर लिस्ट ऑफ़ गुड्स टू बी प्रोवाइडेड इन द वे ऑफ बेंगाल फॉर द थिंग्स गोइंग आउट इन दर एटीन थर्टी मतलब ये पूरी लिस्ट है कि ये कपड़ा जो है भारत से बाहर ब्रिटेन में भेजा जाना है अब आता है कि ए, हमारे यहाँ का जो कपड़ा था ये बहुत फेमस था जिसमें सबसे ज़्यादा आर्ट इसकी फेमस थी एक थी जामदानी आर्ट ये जामदानी आर्ट का एक आपको एग्जाम्पल दिखा रही हूँ ये जामदानी आर्ट है जामदानी विविंग का एक तरीका था जिसमें ए, डेकोरेटिव मोटिव्स को छापे कारी दी जाती थी डेकोरेटिव मोटिव्स हुआ करते थे ये लूम पे और वो छापे जाते थे ग्रे और वाइट ऑर्डर में और दूसरा था बंदना बंदना एक टाइंग और डाइंग करके जैसे कि उधर है टाई और डाई उस तरीके से बंदना आर्ट हमारे यहाँ फेमस थी ये बंदना आर्ट है ये बंदना एक बंदना आर्ट का एग्जांपल है प्रिंटेड डिज़ाइन है ये चिंट्स का ये चिंडस है ये बंधना नहीं है सॉरी बच्चों ये चेंड्स है ये वाला जो है जामदानी है जिसमें डेकोरेटिव मोटिव मोटि वन किया जाता है लूम पर और ये वाला जो आर्ट है वो चेंड्स है चिंस जो कपड़ा था वो बहुत ही फाइन क्लोथ था जो कि मसूली पट्टनम आंध्र प्रदेश और मिड्स नाइनटीन सेंचुरी में बनाया जाता था इसके अलावा बंधना आर्ट ये है देखिए टाइंग एंड टाइंग यहाँ पर जैसे कुछ गाठे बांध दी और उससे टाई टाई कर ये बंधना आर्ट है ये बंदना आर्ट जो है बहुत फेमस हुई जो कि कासिम बाज़ार पटना कलकत्ता उड़ीसा और चोरपुर चारोपुर नाम की जगह से बहुत फेमस थी अब जब ये सब आर्ट के कपड़े हाँ, फाइन क्लोथ्स थे वो यहाँ से जब ब्रिटिशर्स ले जाया करते थे तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रिटेन में जा कर के ये महंगे दामों पर तो बिकता था तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स जो थे उनके अंदर ये बहुत ही अनसिक्योरिटी थी कि उनकी जो इंडस्ट्री थी अपनी वो नहीं ग्रो कर रही है इससे वो बहुत ज़्यादा परेशानी में थे दे आर वेरी वरीड अबाउट एंड दे आर वेरी वरीड अबाउट बाय द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन द अर्ली एटीन सेंचुरी अर्ली एटीन सेंचुरी तक जो वो बहुत ही परेशान थे इसलिए कि इंडिया का टेक्सटाइल बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में यहाँ तक कि वूल और सिल्क मार्केट भी बहुत भूल था तो उन्होंने क्या किया अब हमारे भारत के टेक्सटाइल का प्रोटेस्ट करना विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में अब इसका जो इम्पोर्ट हो रहा है बार बार इंडिया के कपड़े का इसको बंद किया जाए तो 1722 20 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया और उन्होंने एक ऐसा एक्ट बनाया जिससे कि जो भारत का ये प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल था वो इंग्लैंड में जाना बंद कर दिया गया और उसकी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई तो जेंट्स के ऊपर बंदना के ऊपर कैलिको ए, कैलिको जो कपड़ा था ये जेंट्स जिन्ट्स के नाम से ही कैलिको पड़ा था तो जेंट्स के ऊपर इन्होंने बैन कर दिया कि और और इसके खिलाफ वहाँ के जो भी इंडस्ट्रइ थे उन्होंने इम्पोर्ट पे प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने एक एक्ट बना दिया और इस एक्ट का नाम दिया गया कैलिको एक्ट कैलिको एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेशन बनाया कि बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल चिंट्स कि पूरे ब्रिटेन में जो है चिंट्स कपड़ा नहीं बिकेगा एट द टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैड जस्ट बिगन टू तो डेवलप इन इंग्लैंड इसी समय इंग्लैंड में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है ग्रो करने लग गई और लेकिन फिर भी वो भारत के कपड़े से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कॉम्पीट नहीं कर पा रही थी तो इंग्लिश प्रोड्यूसर्स ने ये सोचा कि उन्हें सिक्योर मार्केट चाहिए तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इंडियन टेक्सटाइल को कम्प्लीट उसकी एंट्री को बंद कर देंगे तभी जा करके हमारे यहाँ ब्रिटिश का ब्रिटेना कपड़ा बिकेगा तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि कैलिको कि प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो थी उस पर गवर्नमेंट ने अपना प्रोटेक्शन लगाया और इंडियन डिज़ाइंस जो थे उन्होंने उनको उनकी नकल मारी है ना तो जो इंडिया के ट्रेंड्स था बंदना आरती, जामदानी आर्ट थी उनकी सेम टू तो सेम पैटर्न की नकल करी ब्रिटिशर्स ने और उसके बाद में वाइट म्यूस्लिन क्लोथ पर और ब्लीच कपड़े पर उन्होंने उस चीज़ के पैटर्नों को छापना शुरू किया और कभी कभी तो ये ये भी करते थे कि हमारे यहाँ का कपड़ा ले आया करते थे वहाँ पर ब्लीच कर दिया करते थे और इस तरीके से जो है वो भारत की चीज़ को अपना बना करके उन्होंने बेचा ब्रिटेन में तो कंपटीशन उन्होंने इस तरीके से इंडियन टेक्सटाइल से शुरू कर दिया और इससे जो है भारत ब्रिटेन के इंग्लैंड की एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी में एक इनोवेशन आ गया 1764 में एक बात और हुई कि 1764 में स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन किया जॉन केई ने जिससे कि जो ट्रेडिशनल स्पिंडल्स थे जो परंपरागत रूप से जो धागा बुनने की प्रथा थी वो शुरू हुई वहाँ पर और उसके बाद में रिचर्ड आक्राइट ने सेवनटीन हंड्रेड एट्टी सिक्स में स्टीम इंजन जो वहाँ पर खूल उसका इन्वेंशन हो गया था उससे कॉटन टेक्सटाइल वीविंग में भी एक रिवोल्यूशन हुआ अब क्लोथ वहाँ बुनने भी लग गया और वहाँ छाप छपने भी लग गया उस पर छापाकारी भी होने लग गई ब्रिटेन में यूरोप में यूरोपियन यूरोप कंट्रीज में, में और ब्रिटेन में तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया धीरे धीरे करते करते आ, अपने यहाँ मतलब ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ ही ब्रिटेन में ही भारत के कपड़े का रॉ मटेरियल ले जा कर के या फिर अपने यहाँ रॉ मटेरियल खुद तैयार करके भारत के कपड़े की वैल्यू को घटा दिया और वहीं पर वो कपड़ा बना के बेचने लग गए इससे क्या हुआ कि भारत की जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो कम्प्लीटली ग्रो करने बंद हो गई और इस समय क्या हुआ कि बहुत सारे जो क्राफ्टमैन शिप्स थे क्राफ्टमैन थे उन्होंने अपना काम छोड़ दिया भारत में कई लोग तो उन्होंने फार्मर्स बन गए बहुत सारे पीजेंट्स और ज़मींदार जिन्होंने कि कर्ज पे लेकर के इंडस्ट्रीज खोली थी वो सारे के सारे जो है उन आ, हायर रेवेन्यू जो दिया करते थे अब वो रेवेन्यू देने में भी असमर्थ होने लग गए ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अपनाई थी कि यहाँ का जो इंडियन uh, टेक्सटाइल का वीवर था वो वीवर से वो उस कपड़े को तब खरीदते थे जैसे कि उन्होंने क्या किया कि भारत के किसानों से पीज और जमींदारों से वो रेवेन्यू लेते थे हाई रेवेन्यू ब्रिटिशर्स और उसी पैसे से भारत का रॉ मटेरियल खरीदते थे और उस रॉ मटेरियल को यहाँ से ब्रिटिश ब्रिटेन में ले जा कर के हाई एक्साइज ड्यूटी पर हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगा कर बेच दिया करते थे तो इससे उनको इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा मिलती थी ब्रिटिशर्स को यहाँ से कम पैसों में कपड़ा खरीदते थे और बल्कि वो कपड़ा जो खरीदने का पैसा भी था वो भी यहीं के पीजेंट और फार्मर से निकालते थे और फिर उसी से मतलब हमारे ही पैसे से वो हमारा ही कपड़ा खरीदते थे और उसके बाद में उसको भारत ले ब्रिटेन में ले जा के बैंगे दामों पर बेच लिया करते थे ये पॉलिसी उन्होंने अपनाई थी अब देखिए वीवर्स कौन हुआ करते थे वीवर्स वो लोग थे जो कि जैसे कि तांती वीवर्स ऑफ बंगाल, झूलाज और, और मोमिन वीवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया सेल एंड कैकोलर एंड देवांग्स ऑफ साउथ इंडिया ये कुछ जातियाँ थी जो कि पर्टिकुलर परमानेंट वीवर्स हुआ करती थी अब आता है इन्होंने अपने घरों में चरखा तकली ये सब लगाया था इसके यहाँ के हमारे ट्रेडिशनल स्पिनिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे चरखे के ऊपर थ्रेड को तैयार करना वूव करना तखली के ऊपर फिर उसका यान तैयार करना उसके बाद में उसको फैब्रिकेशन में जैसे ये जो कि इस बुनकर ने लगा रखा है ऐसी मशीन लूम लगाते थे हैंड लूम और उससे बनाते थे और उसके ऊपर फिर उस थ्रेड को तैयार होने के बाद में जो ड्रायर्स होते थे हमारे यहाँ के ड्रायर्स डाई करते थे उनको रंगरेज बोला करते थे और जो प्रिंट प्रिंटिंग करते थे उनको बोलते थे छिपी गर्स छिपी गर्स छापने वाले तो ये हमारे यहाँ व्यूवर्स हुआ करते थे और जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डिक्लाइन होना शुरू हुआ है वो एटीन सेंचुरी के बाद स्टार्ट हो गया बहुत तेज़ी से इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने क्या किया अपने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया और इंडियन गुड्स जो थे जो वहाँ के मार्केट में थे उनको ट्रेडिशनल मार्केट जैसे अफ्रीका अमेरिका यूरोप उनमें उसकी मांग को कम करा दिया बहुत उससे क्या हुआ कि भारत के बहुत सारे व्यूअर्स थाउजेंड ऑफ़ व्यूवर्स ये सारे के सारे इन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया और बहुत सारी वहाँ पर उनकी कॉम्पिटिशन में इंग्लिश और यूरोपियन कंपनीज़ आ गई जिससे कि बंगाल में ही अकेले बहुत सारे व्यूवर्स जो थे उन्होंने इंडियन गुड्स की बाइंग को स्टॉप कर दिया और व्यूवर्स को बहुत घाटा होने लग गया कई सारे वीवर्स ने अपनी जॉब्स छोड़ दी और 1830 से एटीन के बीच में लगभग भारत का टू थर्ड कॉटन क्लोथ जो था वो इंडिया में अब आगे बाहर नहीं जा पा रहा था जिससे यहाँ के व्यूअर्स को बहुत नुकसान होता था अब आएगा कि जब गांधी जी ने यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन चलाए और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी कि जो हमारे यहाँ का जो टेक्सटाइल है उस पर जो इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है उसका पूरा कम्प्लीटली बाइकआउट किया और इसीलिए उन्होंने हैंड स्पिनिंग अपनाने की बात की खादी जो थी वो हमारा सिंबल था नेशनलिज्म का और चरखा को इन्होंने इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ने 1931 में ट्राई कलर को फ्लैग को अडॉप्ट किया है अब आता है कि जो हैंडलूम वीवर्स थे यहाँ न्यू कॉटन मिल्स को एस्टैब्लिश किया गया भारत में उस समय बम्बई में अहमदाबाद शोलापुर नागपुर और कानपुर में कॉटन मिल्स कम अप पहली कॉटन मिल जो हमारे भारत में खुली है वो स्पिनिंग मिल के रूप में 1854 में बॉम्बे में स्टार्ट हुई और अर्ली नाइनटीन सेंचुरी में बॉम्बे जो था एक बहुत बड़ा वहाँ पर पोर्ट भी बना हुआ था इस वजह से रॉक कॉटन जो थी वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट किया जाती थी इंडिया से इंग्लैंड और चाइना में हमारा भारत का कपड़ा इंग्लैंड और चाइना में बहुत जाता था क्योंकि भारत के अंदर गुजरात तट पर ब्लैक सॉइल थी जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छी खेती होती थी कॉटन की यहाँ पर तो यहाँ का कॉटन बहुत अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था अब आता है कि जो मिल्स थी उन्होंने पहली मिल हमारे यहाँ फिर अहमदाबाद में खुली है जब ब्रिटेन में क्रांति आ गई औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियलाइजेशन तो वहाँ से बहुत सारे स्पिनिंग जेनी ये सब खरीद खरीद के भारत लाए गए और फिर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर आकर के इंडिया में अहमदाबाद बॉम्बे वग़ैरह में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत की तो पहले फिर अहमदाबाद में एक टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहली खुली अहमदाबाद में टीन हंड्रेड सिक्सटी वन में फिर धीरे धीरे इसके बाद कानपुर में इस्टेब्लिश हुई और ब्रिटेन ब्रिटिशर्स ने अपने ही कपड़े को यानी कि हमारे भारत के कपड़े को प्रोसेस करके फिर यहीं बेचना शुरू कर दिया इंडिया में और इस तरीके से उन्होंने कॉम्पिटिशन को बढ़ा दिया और उससे क्या हुआ कि भारत के जो ट्रेडिशनल व्यूवर्स थे वो उनका बिजनेस ख़राब हो गया अब आता है कि स्वाड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा इंडियन स्टील बहुत फेमस था आयरन मेटलर्जी के रूप में हम देख सकते हैं कि टीपू सुल्तान की जो स्वाड थी ये कितनी आ, ये बहुत पुराना आयरन है जिसमें आ, चारकोल मिलाया गया था आयरन के अंदर और उससे ये वुड्स तैयार करता था वुड्स बहुत मजबूत होता था इसके ऊपर डिज़ाइनिंग भी की गई है ये टीपू सुल्तान की जो एक स्वाड दिखाई गई है इसमें वुड्स का पूरा इस्तेमाल हुआ है और हमारे देश का जो आयरन था वो बहुत फेमस था और बहुत ही ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हाई कार्बन स्टील के का बना होता था जिसमें शार्प पेजेस होते थे तो ये ऐसा इस प्रकार का आयरन 1800 में टीपू सुल्तान की डेथ के बाद में यहाँ की इस टेक्निक को वर्ड्स स्टील के रूप में बहुत सारे यहाँ के आयरन स्मल्टर्स ने अपनाया और उन्होंने बड़ी बड़ी फर्नेस लगाई मैसूर में जिसमें आयरन को चारकोल के साथ मिक्स करके फिर क्ले पॉट के अंदर बंद कर दिया जाता था और हाई टेम्परेचर पर उसको मेल्टिंग करके उससे स्टील बनाया जाता था और ये फिर इसके बाद इसका इम्पोर्ट किया जाता था सॉरी एक्सपोर्ट किया जाता था वेस्ट और सेंट्रल एशिया में दो देशों में वुड जो था वो एक एंजली साइज वर्जन था कनाडा वर्ड है उक्कू और तेलगू का वर्ड है हुक्कू और तमिल मलयालम में उर्क् वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टील अब आता है कि इंडियन वुड्स जो होता है वो बहुत ही फैसिनेटेड लोग उससे बहुत आश्चर्यचकित होते थे तो यूरोपियन साइंटिस्टों ने इसके ऊपर जैसे माइकल फराडे हैं इन लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए थे इसके ऊपर जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक्सपेरिमेंट भी इंडियन वुड्स पर ही किए गए थे उस पर लगभग उन्होंने इस प्रैक्टिकल को करने में चार साल खर्च किए थे माइकल फराडे ने अब आता है कि इसके बाद में अबंडस इन विलेजेस भारत के वुड स्टील की इतनी डिमांड थी कि इसके आयरन स्मेल्टर्स इंडिया में कई हर एक गांव में गांव गांव में फैले हुए थे स्पेशली बिहार और सेंट्रल इंडिया के देशों में जहां पर एवरी डिस्ट्रिक्ट हर एक राज्य में हर एक ज़िले में स्मेल्टर्स होते थे वहां पर वो लोकल रूप से इन और आयरन के ओरस के डिपोजिट्स को इकट्ठा करना उसके बाद में उनको अपनी फैक्ट्रीज में गलाना छोटी छोटी फैक्ट्रीज गाँव में छोटे छोटे भट्टियाँ लगाई थी लोगों ने जिनका जिसमें जो है एक उसको गला हवा करने के लिए एक बिलोइंग बनाई जाती थी इन बिलोज पे हवा करने के लिए औरतों का काम था कि वो एयर को पंप करती थी और इसको बिलो करके आयरन को गला करके बनाया जाता जा था चारकोल वगैरह इसमें गला के बनाया जाता था अब आता है कि बाय द लेट नाइनटीन सेंचुरी हाउ द क्राफ्ट ऑफ़ आयरन स्मेल्टिंग वॉज डिन डिक्लाइन लेट नाइनटीन सेंचुरी में हमारे यहाँ का आयरन स्मेल्टिंग इंडस्ट्री भी डिक्लाइन हो गया वो क्यों घटा क्योंकि जब से न्यू फॉरेस्ट लॉ आया कि कॉलोनियल uh, गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स कॉलोनियल गवर्नमेंट आई थी उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया के लोग थे उनको फॉरेस्ट में उनके एंट्री को बैन करा उससे क्या हुआ कि बहुत सारे क्राफ्टमैन थे वो जो आयरन और फॉरेस्ट लेस से लाया करते थे और उसको गलाने के लिए वुड कलेक्ट करते थे वो भी फॉरेस्ट से लाया करते थे अब जब वुड ही नहीं होगा तो गलाएंगे कैसे आयरन को तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का ये जो लाइवलीवुड पे संकट आ गया उन्होंने क्राफ्टमैनशिप छोड़ दी और आयरन स्मल्टर्स को हाई टैक्स भी पे करना पड़ता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जिससे कि वो वोट खरीदते थे तो उससे इनकम उनकी इनकम घट गई तो इस तरीके से बहुत सारा डिक्लाइन होने लग गया अब आता है कि फिर लेट नाइन्टीन सेंचुरी में आयरन स्टील इंडस्ट्री के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी जो है बढ़ा दी ब्रिटेन ने और भारत के अंदर ही आयरन स्मित्स को बहुत नुकसान होने लग गया और इस तरीके से ब्रिटेन ने अपना आयरन प्रोड्यूस किया और उन्होंने इंडियन मार्केट में आकर के अपने आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया और वो एक हायर कॉम्पिटिटर बन गया आयरन स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया भारत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो आई 1904 में अप्रैल के महीने में चार्ल्स वेल्ड आते हैं अमेरिकन जियोलॉजिस्ट होते हैं और एक होते हैं दोरावज तो जी टाटा ये थे जमशेद जी टाटा के बड़े बड़े लड़के तो इन्होंने क्या किया ये छत्तीसगढ़ जाते हैं और वहाँ पर उन्होंने आयरन और डिपॉजिट्स का रिसर्च किया वहाँ पर इन्होंने खोजा कि आयरन आयरन और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और उन्होंने वहाँ पर कुछ वहाँ के जो लोकल आ, किसान थे उनके मदद मतलब से उनको अग्रेरीज बोलते थे उनकी सहायता से राजहरा हिल पे एक फाइनेस्ट ओर पाया और राजहरा हिल्स पे जब फाइनेस्ट ओर इनको मिल गया तो उन्होंने वहाँ पर एक एक, एक इस्पात इंडस्ट्री आयरन स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश की सुबरनेखा रिवर के पास में ठीक है और सुबरनेखा रिवर जो थी अब जमशेदपुर टाउनशिप में आती थी और उस तरीके से पहली टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1912 में स्टैब्लिश की गई थी जमशेद जी टाटा और दादा भाई ये जो दोराब जी हैं उनके द्वारा और इसके बाद में हम धीरे धीरे ये आयरन इंडस्ट्री बहुत ग्रो करती है ये टाटा टाटा इंडिस्ट, स्टील इंडस्ट्री का एक आपको पूरा डायग्राम दिखाती हूँ कि बहुत सारे यहाँ के लोकल आयरन स्मेल्टर्स विमेन चिल्ड्रंस और लोकल पीपल्स पीज एंड फार्मर्स ये सब आयरन स्टील इंडस्ट्री में लगे हुए हैं तो इस तरीके से टिस्को जो है टाटा टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन वर्क ये हमारे यहाँ इस्टैब्लिश हुआ और इन्होंने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से अपना काम शुरू किया उन्नीस में धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ और इस तरीके से जब 1812 के बाद जो भारत में रेलवे आया तो रेलवे ने के एक्सपेंशन से भारत में के अंदर ही आ, टिस्को को बहुत सारे ऑर्डर मिले जिससे कि उन्होंने रेलवे की पटरियाँ बनाई और इसके बाद इसका बहुत तरीके से एक्सपेंशन हो गया 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई है तो स्टील प्रोड्यूस इन ब्रिटेन जो ब्रिटेन में स्टील प्रोड्यूस किया जाता उसकी हाई डिमांड थी यूरोप में उसके बाद में ब्रिटिशर्स को अपने वेपन्स बनाने के लिए भी भारत के अंदर जो आयरन तैयार किया जाता उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी उसके में उसमें भी टिस्को का बहुत बड़ा योगदान था और फिर इस वॉर में प्रयोग होने वाले जितने भी शेल्स थे कैरिज थे जो बंदूक की गोलियों में जो कारतूस इस्तेमाल होता था उसके छर्रे शेल्स का कैरिज वगैरह जो लोड की जाती थी, थी बंदूकों में ये सब आयरन से बनी होती थी इन सब का बहुत हाईली मात्रा में प्रोडक्शन टिस्को के अंदर होता था 1919 में कलोनियल गवर्नमेंट ने 90 परसेंट जो टिस्को का स्टील था वो टिस्को में जो बना था वो उन्होंने बाई किया ख़रीदा और इस तरीके से टेस्को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में हमारे यहाँ उभरा और इस तरीके से तो बच्चों ये लेसन अब यहाँ ख़त्म होता है और ये आपको मैंने बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अब हमारे देश का कच्चा माल चाहे वो आयरन हो चाहे कॉटन टेक्सटाइल हो उसको खरीदा और उसके उसको प्रोसेस करके अपने देशों में पहले बेचा और उसके बाद धीरे धीरे हमारी ही टेक्निक्स को अपनी टेक्निक्स मतलब उसमें अपनी स्किल्स को मिला करके उन्होंने हमारी ही चीज़ को हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज लगा करके ब्रिटेन और यूरोपियन मार्केट में बेचा और उसके बाद में उन्होंने हमारे देश का जो आयरन और स्टील वर्क था कॉटन टेक्सटाइल था उसको डिक्लाइन किया और अपनी कंपनी को यहाँ इस्टेब्लिश किया तो बच्चों ये यह लेसन यहीं पर फिनिश होता है आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन इसको प्लीज़ आप बहुत ध्यान से पढ़ें बार बार पढ़ें ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए और प्लीज़ लाइक माय होल वीडियो शेयर इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू टिल देन गुड बाय